दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019 में जो सुपरवाइजर इन्वेलर्स की एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको कैसे देना है और कैसे आपको सेटअप करना है सीएससी सिक्योर ब्राउजर। क्योंकि अगर आपने सीएससी का सिक्योर ब्राउजर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो कैसे आपको सेटिंग करना है और कैसे आपको लाइव एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बने इस वीडियो में लगातार। और मैं हूँ पवन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। और यदि आपने दोस्तों इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे आप लेटेस्ट अपडेट वीडियो लगातार हमारे देखते रहें। और अगर आप कोई घर या प्लॉट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए smallhouseplan.com की वेबसाइट है, चैनल है। ये आप जैसा वीडियो देख पा रहे हो यहाँ पर जाए विजिट करें, आपको पूरे यहाँ पर किसी भी प्लॉट का घर का नक्शा मिलेगा। तो उसके बाद मैं लाइव एग्जाम करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे लाइव एग्जाम सीएससी वीली कैसे दे, सीएससी सिक्योर ब्राउजर सेटिंग, आर्थिक जनगणना लाइव एग्जाम। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, हाउ मेनी क्वेश्चन कितने आएंगे, आपके फुल प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। विद स्क्रीन शॉट दिया गया, सबसे पहले आपको स्क्रीन ऐसी आएगी, इसके बाद सिक्योर ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना है और इसके बाद ऐसी स्क्रीन आएगी। तो ये आप लाइव एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर से जरूर इसको पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद ही लाइव एग्जाम दें जिसमें आप कोई भी गलती ना करें। तो पहला स्क्रीन ऐसा आएगा, आपको फोटो कैप्चर करना होगा, इसके बाद आधार कार्ड अपना कैप्चर करना होगा अपने मोबाइल फोन सॉरी अपने लैपटॉप के कैमरे से, और इसके बाद आप दोनों चीजें अपलोड होंगी और अपलोड होने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसका पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन इस वेबसाइट पर दे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप वहां पर जाएं पहले इसको एक बार देख लें, इसके बाद लाइव एग्जाम करके। चलो मैं अब लाइव एग्जाम आपको करके दिखाता हूं। तो जो आज का टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर आप लॉग इन हो जाएं और ट्रेनिंग एंड एग्जाम सेक्शन पर आएं। तो आप अगर ट्रेनिंग एंड एग्जाम देते हैं सुपरवाइजर को उस पर क्लिक करें और आपको एक वार्निंग आएगी, आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद डैशबोर्ड पे आएंगे, जैसे आप डैशबोर्ड पर आते हैं आपको असेसमेंट पर जाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा इसमें असेसमेंट पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सारे असेसमेंट कम्प्लीट कर लेने, अगर आपने असेसमेंट का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद टेक एग्जाम पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप टेक एग्जाम पर क्लिक करेंगे असेसमेंट सारे कम्प्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको बोलता है प्लीज चूज योर लैंग्वेज, तो ओनली यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है आपको सिलेक्ट कर लेना है, बोलेगा योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओके करना अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर तीन स्टेप दिए गए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। तो बोल रहा है इफ सीएससी सिक्योर ब्राउजर इज नॉट इंस्टॉल्ड तो आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट करना है, सब पर क्लिक हियर पे क्लिक करके सीएससी सिक्योर ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद सेकंड स्टेप उसको इंस्टॉल करना है, थर्ड आप एग्जाम दे पाएंगे। अगर सपोज दैट आप पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप डायरेक्ट आप स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, आप भी पहली बार दे रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको करना है सीएससी का सिक्योर ब्राउजर डाउनलोड। तो आप डाउनलोड करने के लिए स्टेप फर्स्ट पर जो क्लिक हियर लिखा है इस पर आपको करना पड़ेगा क्लिक। तो यहाँ पर 61.5 MB की एक फाइल है जो डाउनलोड हो रही, चलो मैं इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। लगभग 5 मिनट डाउनलोडिंग का समय लेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। और जैसे मेरा डाउनलोड हो जाता है इसके बाद इसको सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, इसको करना होगा आपको इंस्टॉल अपने सिस्टम पर। तो देखते हैं हम, शायद मेरा डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये CSECB इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आपको करना है कुल मिलाकर इंस्टॉल। तो राइट क्लिक करके इंस्टॉल करें, प्रिपेयर टू इंस्टॉल आप, इसके बाद आप वेट करते हैं। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट, वेलकम टू द CSECB सेटअप विजार्ड आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद ड्राइव लोकेशन पूछेगा, वहीं पर क्लिक रखें, आपको बस नेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद लास्ट में आपको फिर से एक बार नेक्स्ट कर देना है, ये बोल रहा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सिर्फ आपको नेक्स्ट ही करना है। और बहुत ही आसानी से इंस्टॉलिंग CSECB, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, सीएससी का सिक्योर ब्राउजर है। तो प्लीज वेट, आपको लगभग हो सकता है 1 मिनट लग जाए इंस्टॉल होने में, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड पर। तो मैं वीडियो पॉज करूंगा, देखिए मेरा सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है, सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड। अब आपको यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज, और जैसे आप क्लोज करते हैं तो आपके दो स्टेप कंप्लीट हो चुके, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग का थर्ड स्टेप है, आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम। तो आपको स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आता है सेफ एग्जाम ब्राउजर, ये बोलता है तो आपको सिर्फ सेफ एग्जाम पर ही रहने देना और ओपन लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे तो पहले आपका सिक्योर ब्राउजर ओपन होगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करना होगा, आपका सबको सही रहा तो अपना फोटो कैप्चर करें। यहाँ पर आपका कैमरा चालू होना चाहिए, अब मैंने फोटो कैप्चर कर लिया, देखिए साइड में आपका फोटो दिख रहा है जो कैप्चर हुआ है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक कर देना है।
फोटो आपका सीधा, इसके बाद आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर फोटोज की कैप्चर करें करनी पड़ेगी। तो आधार आइडेंटिटी के लिए बोल रहा है क्लिक योर आईडी कार्ड, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना आईडी कार्ड कैमरे के सामने लगाएं और अपना आधार कार्ड यहाँ पर उसका फोटो कैप्चर करें। और जैसे कैप्चर करेंगे इसके बाद आपको फिर से कैप्चर पर क्लिक करना होगा। आप देख लें अगर फोटो आपका सही नहीं आया तो उसको आप फिर से रिकैप्चर कर सकते हैं। जैसे दोनों चीजें आप कैप्चर करते हैं तो आपका इमेज और आईडी कार्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपको बोलेगा वेट करो अप्रूवल के लिए और यहाँ पर लिस्ट एक क्यू बन जाएगा, आपको एग्जाम देना है। आप इसके बाद जब सबमिट हो जाता है तो इंस्ट्रक्शन आपका टेस्ट के इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद स्टार्ट एग्जाम का आपको एक बटन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके क्वेश्चन उसी से आएंगे जो आपने असेसमेंट में पढ़ा है। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें, चेकबॉक्स पर क्लिक करें और स्टार्ट एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सीएससी के क्वेश्चन है आप देखिएगा टेस्ट लोड हो रहा है और कन्फर्म अभी हो रहा है कन्फर्म, और ये देखिए टेस्ट ओपन होकर आपका आ चुका है। दोस्तों मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई है इस वजह से, क्योंकि अगर एक बात और, अगर आपका कोई एनी डेस्क ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दें तभी आपका ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, एक एंड टेस्ट का मिलता है। तो आप भूल कर भी एंड टेस्ट पर क्लिक ना करें जहां पर आपका फोटो दिख रहा है, नहीं तो आपका टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन चूज करें 1 से 4, इसके बाद नेक्स्ट करें तो आपका सेकेंड ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको जो भी सही लगे वो आप क्लिक करें और इसके बाद फिर से नेक्स्ट करें। तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके 25 क्वेश्चन के आपको जवाब देने होंगे। और ये 25 क्वेश्चन क्या है अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम अपनी वेबसाइट पर सारे 25 क्वेश्चन डाल देंगे और इसके बाद वहां से आप देखकर बना पूरा आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके बाद धीरे धीरे आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूंगा और क्योंकि 25 क्वेश्चन सारे मैं यहाँ पर पब्लिक नहीं कर सकता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको यहां पर एक अब नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्ट आप इन टेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सारे एग्जाम अब यहां पर आपसे बोलेगा कि आप कंफर्मेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और आपका सबमिट हो जाएगा एग्जाम। और ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपका सारे ब्राउजर क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको फिर से सीएससी पे लॉगिन करना होगा। देखते हैं टेस्ट में क्या हुआ है। अगर मैंने जब ये दोस्तों दोबारा से लॉगिन किया तो चलो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ फिर से। तो सारी चीजें हटाने के बाद मैं थोड़ा चलो डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए प्लीज चूज योर लैंग्वेज, फिर से अगर मैं सारी चीजें वही प्रोसेस करता हूँ एग्जाम देने वाला, ठीक है। तो सर्टिफिकेट बोल रहा है आपका 2 से 3 दिन में रेडी होगा। अगर आप सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे या आईडी क्लिक करेंगे तो वहां भी बोल रहा है कि आप 2 से 3 दिन में आपका आईडी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक शेयर जरूर कर दे। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में और अपने दोस्तों के साथ सभी सीएससी के जितने भी ग्रुप हों आपके पास वो शेयर जरूर कर दें, और क्योंकि वो भी बहुत ही आसानी से इसका एग्जाम दे पाएं। और एक टिप्स देना चाहूँगा, एग्जाम देने से पहले अगर आपके सिस्टम में एनी डेस्क ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो अनइंस्टॉल कर दें, तभी आपका सीएससी का सिक्योर ब्राउजर रन करता है, अन्यथा आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जल्दी मैं इन्विटेटर का भी एग्जाम आपको लाइव करके